और हम लोग बेसिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बेसिक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं एकदम शांत। और बेसिक पैटर्न ये था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन इवेंट्स होते हैं, याद है आपको? चालू किया भाई। सो आपको मालूम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीन इवेंट्स में पहला कौन सा था? प्री फर्टिलाइजेशन। एकदम शांत हो जाओ, टाइम बहुत ज्यादा जाता है, खराब हो जाता है। पहला इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा हम लोगों ने ये जानना है कि जो लोग भी इस दुनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे उनको ये तीन इवेंट करने ही पड़ेंगे। नाम है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने दो प्रोसेस पढ़े, नाम है क्या? गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। मैं चैप्टर को कितना भी कॉम्प्लेक्स कर लू, कितना भी कॉम्प्लेक्स कर लू, जैसे कि चैप्टर कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, ये तीन बातें बदलने वाली है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इतने दिनों से, लगभग 4-5 दिनों से हम लोग पहले इवेंट में फंसे हुए हैं। यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या है, अभी क्या पढ़ना बाकी है? तो हमारे हिस्से में अभी तक केवल एक बात आई है, बताओ क्या आई है? प्री फर्टिलाइजेशन। और जिसमें क्या आया है? गैमेटोजेनेसिस। दो प्रकार के गैमेट हैं, एक स्पर्म और एक ओवा। स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्म, ओवा ओजेनेसिस, और उनसे रिलेटेड साइकिल, ओजेनेसिस से रिलेटेड साइकिल, फीमेल साइकिल, याद है? इट वॉज अ मेंसुरल साइकिल। अभी तक हमने क्या नहीं पढ़ा? अभी तक हमने गैमेट ट्रांसफर नहीं पढ़ा। और हम जितना जानते हैं वो हम एक बार रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। सो आज अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म कर सके तो आज क्या बचेगा? पहले से तैयार कि इसके बाद तो यही पूछेगा। प्री फर्टिलाइजेशन के बाद पक्का। और अब हम आपको आज का टॉपिक बताते हैं, क्या आप अपनी एनसीईआरटी में आज के टॉपिक की तरफ ध्यान देंगे? चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। ये तो भैया साइकिल थी, कौन सी साइकिल है बोलो? हाँ, मेंसुरल साइकिल। कल हम लोगों ने पढ़ा था मेंसुरल साइकिल, ओके। आज का टॉपिक क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो बताओ कौन सा इवेंट खत्म कर चुके हैं वो? प्री फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन में केवल कौन सा? गैमेटोजेनेसिस। तो वापस चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। थैंक यू। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। और आपको जो कुछ भी आता है वो पूरी बातें यहां पर लगेगी और वो आप लगाएंगे। चलिए बताइए, आपको यूट्रस की याद है? यस सर। याद है। क्या आपको ट्यूब याद है? यस सर। ट्यूब का नाम? फैलोपियन ट्यूब। क्या इस तरफ भी एक फैलोपियन ट्यूब है? यस सर। अच्छा बताओ, ट्यूब के पास क्या है? ओवरी। ये क्या है? ओवरी। फिम्बरी याद है? यस सर। इधर फिम्बरी याद है? यस सर। बताओ क्या निकला होगा? प्रोसेस का नाम ओविलेशन। पक्का? बताओ यूट्रस की तीन वॉल याद है? यस। बोलो कौन? इसके बाद यहाँ पर एक कैनाल याद है? बोलो कौन? और यहाँ पर याद है? नाम बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पढ़ाया जिसने भी पढ़ाया। सो भाई देखो, गैमेट ट्रांसफर टेक्निक सीखो। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में या तो लेफ्ट या तो राइट, यानी एक बार में दोनों की एक, एक। अगर राइट से ओवम आ रहा है तो राइट से आएगा, तो कहां से नहीं आएगा? लेफ्ट से। और अगर लेफ्ट से आ रहा है तो फिर राइट से नहीं।
सो गैमीट मूव करना है, और ये जो गैमीट है ये मेल गैमीट है कि फीमेल? फीमेल। सूर्या जी खड़े होइए। जिस समय पर फीमेल गैमीट ओव्यूलेशन हुआ है उसकी सारी लेयर चाहिए मुझे। नंदा लाओ। बाकी लोग बोलेंगे सबसे बाहर कोरोना जोना पहलू सीधा प्राइमरी उस साइड की सेकेंडरी सेकेंडरी उस साइड। मांग रहे और मारो हम ना बताएंगे। चलो जिस समय पर यहां पर सेकेंडरी उस साइड निकला याद है आपको? बताओ प्राइमरी उस साइड की सेकेंडरी सेकेंडरी। इसके बाद लेयर है नाम बताओ जोना पहलू सीधा। फिर यहां पर मैं लार्जर रूप बना रहा हूँ कोरोना रेडिएटा है। कोरोना रेडिएटा में जो सेल है इन सेल का नाम ग्रैनुलोसा सेल है। गोरो ग्रैनुलोसा सेल है। अब बताओ सेकेंडरी ऊसाइड के बाद जो लेयर है जोना पेलुसिडा है। अब बताओ ये जो गैमीट है ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट? फीमेल। मोटाइल के नॉन मोटाइल? बहुत बढ़िया, जिसने भी मोटाइल बोला वो थप्पड़ मार ले अपने आप को। मोटाइल के नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। यानी इसकी खुद की औकात यहां पर जाने की नहीं है। पर यहां फिंगर्स हैं? यस सर। नाम बताओ फिंगर? फिम्ब्री। फिम्ब्री है? यस सर। और अब तो हम एपिथीलियम भी पढ़ चुके हैं। यस सर। कौन सी? सीलियरी। झाड़ू लग रही है? यस सर। और इन सीलियरी एपिथीलियम से इन भाई साहब को फेंका जा रहा है टूवर्ड्स यू है ना। हितेन बाबू खड़े हो। सारी की सारी जगह पहला पार्ट इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में फिम्ब्री। फिम्ब्री में इसके बाद इस्थमस। ना 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 बेचारा वो दुखी हो जाएगा कि तुमको मार क्यों नहीं पड़ी। याद है आपको? बाकी लोग को याद है? बड़ी खुश हो रही बिटिया? हाँ खड़े हो। आगे का रास्ता बताओ। यहां से फिम्ब्री इनफंडिबुलम एम्पुला इस्थमस ये वाला पोर्शन बताओ। फंडस ये यूट्राइन कैविटी ये कॉर्पस। कितने लेयर? तीनों याद है? अब तुम्हें हक है हंसने का। जाओ बैठो बोलो। पहला कौन? पेरिमेट्रियम। याद है? तो ये भाई साहब भेजे गए हैं टूवर्ड्स एम्पुला। कहां पर? एम्पुला। और इसी दौरान अगर एक प्रोसेस हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ मैं बता रहा हूं। प्रोसेस का नाम है मेटिंग। क्या नाम है बेटा? अगर मेल स्पर्म वजाइना में छोड़े गए, मेल स्पर्म वजाइना में छोड़े गए, प्रोसेस का नाम है मेटिंग। लेकिन इन स्पर्म का वजाइना में छोड़ा जाना इट इज नोन एज इंसिमिनेशन। बोलो क्या नाम है? बताओ मेल गैमेट इज मोटाइल की नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। मेल गैमेट इज मोटाइल, फीमेल इज? तो ये नॉन मोटाइल है फिर भी मूव कर रहे हैं। यस, कौन मूव करा रहा है? फिम्ब्री कर रहा है। और ये भाई साहब क्या है? मोटाइल। तो ये वेजाइना में छोड़ दिए गए हैं और वेजाइना में छोड़ने के बाद इनको सफर तय करना है वेजाइना से सर्विक्स। फिर से बोलो। फिर यूटराइन कैविटी। फिर से बोलो। और फिर फैलोपियन ट्यूब का इस्थमस। फिर एम्पुला। और मीटिंग तय है एम्पुला पर। कहां पर? एम्पुला। पुरानी बुक बोलती थी एम्पुला और इस्थमस का जलसा। अब कुछ लोग हैं अभी भी कहानी सुन रहा हूं उनको ना एम्पुला से मतलब होगा ना इस्थमस से मतलब होगा। जो पतला पार्ट होता है वो इस्थमस, बड़ा पार्ट और सबसे बड़ा इनफंडिबुला। तो जो मीटिंग तय होनी है यानी स्पर्म और ओवा को जो मिलना है राइट प्लेस जो है मिलने का वो कौन सा जगह? इट इज एम्पुला। पुरानी एनसीईआरटी बोलती थी एम्पुलो इस्थमस जंक्शन। आज नई एनसीईआरटी जितने लोगों के पास है वो लोग बोलते हैं एम्पुला। बोलो क्या है? एम्पुला।
इनफंडिबुलम के बाद जो सबसे चौड़ा पार्ट है उसका नाम एम्पुला। भाइयों बहनों ध्यान सुनो, तो ऐसा क्या है कि स्पर्म का मूवमेंट यहां तक कैसे पहुंचा? चलो ये तो समझ में आ रहा है कि झाड़ू इनको फेंक सकती है, लेकिन झाड़ू बहुत दूर तक नहीं फेंक सकती। झाड़ू कहां तक फेंक सकती है? थोड़ी। और कौन सी झाड़ू? सीलिया। तो सीलिया कहां है? फेम्ब्री। बाकी जगह पर सीलिया नहीं है। तो बताओ इनका मूवमेंट बहुत दूर तक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बताओ कौन स्लो चलेगा? ओवा। और कौन फास्ट चलेगा? और स्पर्म का इंसिमिनेशन के बाद एम्पुला तक पहुंचना, इसमें एक बड़ी रिएक्शन का हाथ है, एंड दैट इज नोन एज कैपेसिटेशन। बोलो क्या नाम है? मैं जानता हूं एनसीईआरटी में कैपेसिटेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, मैं जानता हूं कुछ नहीं लिखा, लेकिन मेरे साथ लिखेंगे आप लोग। बोलो कौन सा? कैपेसिटेशन। और ये अगर कैपेसिटेशन ना होता तो याद रखना स्पर्म तेल होने के बावजूद भी इतनी फास्ट मूव नहीं कर पाता। इसके बाद मैं बोर्ड में से डायग्राम हटा दूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी दूसरे डायग्राम की, तो इस डायग्राम से रिलेटेड जितनी बातें हैं मुझे बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊं। बताओ व्हाट इज इंसिमिनेशन? इट इज अ रिलीज ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेनली वजाइना। देखो सीमेन याद है? सीमेन। तो सीमेन का वजाइना में छोड़ना, इट इज सीमिनेशन। बोलो क्या नाम? उसके आगे क्या लगा दो? इन। फिर से बोलो इंसिमिनेशन। व्हाट इज इंसिमिनेशन? इट इज द रिलीज ऑफ सीमेन इनसाइड द फीमेल वजाइना, इट इज नोन एज इंसिमिनेशन। ये प्रोसेस कहलाता है बेटा। ये किसकी वजह से होता है? मेटिंग। मेटिंग की वजह से सीमेन को वजाइना में छोड़ दिया गया। अब ये स्पर्म मूव करके यहां तक पहुंचेंगे। मूव करके यहां तक पहुंचने के लिए इन्हें एक रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा, नाम है कैपेसिटेशन। तो बताओ दोनों में मोटाइल कौन? मेल गैमेट की फीमेल, और फीमेल गैमेट मोटाइल की मानव। हटाएं। चलो पहले सीमेन का कंसेंट्रेशन कौन कौन लोग बता पाएंगे? बहुत कम लोग। हाँ जानवी जी, सीमेन में 30, 60 एंड 10 क्या? और कोई है क्लास में? हाँ जी, जब वजाइना में सीमेन छोड़ा गया तो पूरा 100% स्पर्म था। किसी भी बात को हां जबरदस्ती मत बोला करो, जब तक ना आए ना आए, आए तो बिल्कुल करेक्ट है। बताओ जब यहां छोड़ा गया पूरा स्पर्म था कि बेटा 10% स्पर्म था? 30% प्रोस्टेट के सिक्रीशन थे? और 60% सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रीशन थे? तो सीमेन में टोटल, फिर से बोलो, 10% जो भी रिलीज किया गया उसमें 10%, 30% प्रोस्टेट, 60% सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रीशन। यस और नो? अब मैं कुछ पूछूंगा, जवाब चाहिए। क्या इसमें कैल्शियम है? Yes, नहीं है, है। कैल्शियम है? Yes, जिंक है? Yes, क्या प्रोस्टाग्लैंडिन है? Yes, कहां? मेल सीमेन में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? मेल सीमेन। बैठो दोनों, हटा दिया मैंने, अब जवाब आना चाहिए। और अब जो मैं पूछूंगा एकदम शांति से जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। यहां पर स्पर्म छोड़े गए, याद है? स्पर्म छोड़ा गया कि सीमेन? सीमेन। सीमेन का वजाइना में छोड़ना, इट इज इंसिमिनेशन।
परसेंटेज याद है? यस सर। 10%? यस। वेरी गुड। 30%? यस। नाउ आई एम रिलीफ। 60%? यस। और उसमें कुछ चीजें हैं? यस सर। क्या इसमें फ्रक्टोज है? यस सर। यस और नो? यस सर। कैल्शियम है? यस सर। प्रोस्टाग्लैंडिन है? यस सर। कहां से है वो हम लोग पहले पढ़ चुके, याद है? जनरली 2 से 4 ml तक होता है। मिलियन ऑफ स्पर्म याद है? अच्छा नहीं याद। 200 से 300 मिलियन स्पर्म याद है? Yes, और मूव करेगा? Yes, मेरा पहला क्वेश्चन है, मूव किस प्रोसेस से करेगा और क्यों करेगा? प्रोसेस का नाम है कैपेसिटेशन। फिर से बोलो। भगवान मेरे बच्चों को थोड़ी सद्बुद्धि दे। अगर मैं ये भी सिखा गया तो मैं जान लूंगा तुम्हें आता है। क्या आपको एक्रोसोम याद है? हेड याद है? हेड में कितनी चीजें? 2। एक और एक्रोसोम, दूसरा न्यूक्लियस। क्या नेक याद है? मिडिल पीस याद है? माइटोकॉन्ड्रिया याद है? टेल याद है? बताओ स्पर्म किससे मूव करेगा? टेल। इसको एनर्जी कौन देगा? पर क्या मूवमेंट करने के लिए, बेटा मूवमेंट करने के लिए एक्सियल फिलामेंट का हिलना जरूरी है? यस yes, और इसके लिए चाहिए कैल्शियम। क्या चाहिए? कैल्शियम। कहां से आएगा? कुछ नहीं आता। फीमेल वजाइना से सीमेन क्या लिए घूम रही है? कैल्शियम। आप सुनना, जैसे ही स्पर्म को वजाइना में छोड़ा गया, एक्रोसोम के ऊपर की मेम्ब्रेन का कोलेस्ट्रॉल रिमूव होने लगता है। एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, जानबूझ के पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जा चुका इसलिए पढ़ा रहा हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ कवर करती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोलेस्ट्रॉल रिलीज होने लगता है, और जब कोलेस्ट्रॉल रिलीज होने लगता है तो इस कोलेस्ट्रॉल रिलीज होने की वजह से परमेबिलिटी बढ़ती है, और परमिबिलिटी बढ़ने की वजह से कैल्शियम अंदर की तरफ जाता है। क्या अंदर जाता है? कैल्शियम। और इस कैल्शियम की वजह से एक्सियल फिलामेंट को मिलती है मोटिलिटी। क्या मिलती है? मोटिलिटी। इस पूरी रिएक्शन का नाम कैपेसिटेशन। मैं नहीं चाहता तुम ये सब याद रखो, मत याद रखना। कभी कोई पूछे व्हाट इज कैपेसिटेशन, इट इज अ चेंज इन स्पर्म स्ट्रक्चर। बोलो। नहीं सुना। इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इन, और जिसकी वजह से इन्हें क्या मिलेगी? मोटिलिटी। टू गेट द मोटिलिटी। अभी भी मुझे कंफर्म नहीं हुआ व्हाट इज कैपेसिटेशन। अरे यार बोलो। स्पर्म के स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत बदलाव आ रहे हैं। एक्रोसोम टूट रहा है। क्या करना है? यस सर बोल देना है, क्योंकि टीचर का बेवकूफ है, यस सर सुनना चाहता है। बताओ है टूटा कि नहीं? नहीं। एक्रोसोम टूटा कि नहीं? नहीं। पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी टूट फूट हुई? नहीं। केवल मेम्ब्रेन का क्या रिलीज हुआ? कोलेस्ट्रॉल। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत रिलीज हो गया तो क्या मेम्ब्रेन टूट गई? नो। तो कोलेस्ट्रॉल रिलीज हुआ, इसकी वजह से अंदर कौन पहुंचा? कैल्शियम। कैल्शियम एक्सियल फिलामेंट के साथ अटैच हुए और इन्होंने क्या प्रोवाइड की? मोटिलिटी। एक कसम खा लो, मसल मूवमेंट में भी किसकी जरूरत? कैल्शियम। स्केलेटल मसल में कैल्शियम, जहां जहां मूवमेंट कैल्शियम। और कैल्शियम के अंदर जाते ही बताइए मोटिलिटी कम मिली कि ज्यादा? ज्यादा। और इस विग्रस मोटिलिटी की वजह से स्पर्म भागे, सर्विक्स को छोड़ते हुए भागे, और भागे टूवर्ड्स किधर? दोनों फैलोपियन ट्यूब की तरफ। अब सोचो तुम कितने लकी रहे होगे, क्योंकि कुछ स्पर्म इस फैलोपियन ट्यूब की तरफ भागे होंगे, कुछ इस तरफ भागे होंगे। अगर ओवम इधर से नहीं आ रहा है तो बताओ ये भले ही एम्पुला पहुंच गए होंगे, फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं? और कुछ बेटा यहां से भागे, लेकिन बेटा ओवम इस तरफ से आ रहा था, बताइए इस रास्ते से जो इधर की तरफ गए उनमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं या नहीं?
और इस पूरे चेंजेस का नाम कैपेसिटेशन। बताओ, कैपेसिटेशन इज अ चेंज इन स्पर्म मोटिलिटी एंड स्ट्रक्चर इन फीमेल जेनिटल ट्रैक। और जैसे ही फीमेल जेनिटल ट्रैक में स्पर्म और ओवम का इंटरेक्शन हुआ, वैसे ही गजब हो गया। क्या गजब हुआ? जिस समय स्पर्म ओवा से मिला, ओवा बहुत लेयर ओढ़े हुए बैठा था। बताओ, प्राइमरी ओसाइट की सेकेंडरी। सूर्या बाबू इसी में मार खाए। सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ जोना, जोना पेलोसिडा है, और जोना पेलोसिडा के चारों तरफ बताओ कोरोना रेडियो। चाहे जितना टाइम लगे कोर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तुम चिंता मत करना। लेकिन कोई भी टॉपिक बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर समझ में नहीं आया। बताइए, ये जो बनाया है ये न्यूक्लियस है? Yes, नहीं है। बताओ इस ऊसाइड का नाम, इस लेयर का नाम, इसका नाम कोरोना। अच्छा बताओ, ये स्पर्म दिख रहा है? स्पर्म का अपना हेड होगा, हेड में न्यूक्लियस होगा, एक्रोसोम होगा, बॉडी होगी, टेल होगी। याद रखना, फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेट टू फीमेल। बताओ ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस है? Yes, ये फीमेल। और दोनों बहुत पास है कि दूर है? दूर है। जिस समय एम्पुला पे मिले, एम्पुला पे मिलते ही इनका फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। डर है मुझे। अब इस स्पर्म को पेनेट्रेट करके इस न्यूक्लियस तक पहुंचना, और पेनेट्रेशन में उसे दीवारें क्या क्या मिलेंगी? सबसे बाहर लिखना तो नहीं है, जानते हो ना कौन कौन दीवार मिलेगी? कोरोना रेडियो, जोना पेलोसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी? सेकेंडरी ऊसाइड। फिर साइटोप्लाज्म, किसका? सेकेंडरी ऊसाइड। तब जाकर के स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस फ्यूज होगा। दिल्ली पास है कि दूर है? तो जैसे ही बेटा स्पर्म ने ओवा को देखा और बोला अब एंट्री करनी है, तब उसने दूसरी रिएक्शंस चालू की, एंड दीस रिएक्शन आर नोन एज एक्रोसोमल रिएक्शंस। बोलो क्या नाम है? एक्रोसोमल। मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे साथी और बहुत सारे टीचर कैपेसिटेशन और एक्रोसोमल रिएक्शन एक ही बोलते हैं। गलत है। कैपेसिटेशन मूवमेंट, कैपेसिटेशन ना होता तो स्पर्म मूव करके यहां तक ना पहुंचता। कहां तक? एम्पुला तक। और एम्पुला के बाद ओवा के अंदर घुसने के लिए कैपेसिटेशन चाहिए कि एक्रोसोमल? एक्रोसोमल रिएक्शन। तो बताओ फर्टिलाइजेशन होने के पहले कितनी रिएक्शन? दो। एक कौन? कैपेसिटेशन। दूसरा एक्रोसोमल रिएक्शन। मुझे लगता मैंने कैपेसिटेशन आपको समझा दिया। व्हाट इज इंसिमिनेशन? इट इज अ रिलीज ऑफ सीमेन इनसाइड द वेजाइना। सीमेन छोड़ते ही बेटा स्पर्म मूव करने लायक हो जाएगा? नहीं। क्या हो जाएगा? कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन के दौरान क्या कुछ कोलेस्ट्रॉल रिलीज होगा? बताओ। उसके बाद कैल्शियम अंदर जाएगा? कैल्शियम अंदर जाने के बाद क्या मोटिलिटी मिलेगी? किसको मोटिलिटी मिलेगी? स्पर्म मूव करेगा। चलो मूव करो वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्राइन कैविटी, फेलोपियन ट्यूब, स्थमस, एम्पुला, और एम्पुला पे उसकी मुलाकात किससे होगी? किससे? और जैसे ही बेटा ओवम से मुलाकात हुई, ओवम अकेले मिला कि तीन लेयर? सबसे बाहर कोरोना रेडियो, उसके बाद जोना पेलोसिडा, याद है, और इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ लोग बोलते हैं सर पेरी विटलाइन स्पेस क्या होता है? याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलोसिडा के बीच का गैप, इट इज नोन एज पेरी विटलाइन स्पेस।
सर फिर से बताइए, पहली बार समझ में कहा है? एक बार सर, एक बार और प्लीज। हाँ बोलो सबसे बार। हाँ ऐसे अच्छा नहीं लगता, ऐसे कभी अच्छा नहीं लगता मुझे, ऐसे अच्छा लगता। अब तुम बताओ। सबसे पहले सेकेंडरी ऊसाई, कौन सा ऊसाई? उसका ये पक्का? मुझे डर लग रहा, सेकेंडरी ऊसाइड है, न्यूक्लियस है। अच्छा बताओ न्यूक्लियस की इस मेम्ब्रेन का नाम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेकेंडरी ऊसाइड। इसके बाद एक लेयर मिलेगी, सेलुलर की नॉन सेलुलर? नॉन सेलुलर। इसका नाम? यस इट इज जोना पेलुसिडा। हो गया। और नाउ जोना पेलुसिडा के बाहर ग्रैनुलोसा सेल मिलेगी, बेटा बताओ क्या नाम होगा? कोरोना रेडिया। चारों तरफ याद रहेगा। अब मैं लिख रहा हूं इसका नाम, इसका नाम व्हाट इज जेड पी? इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखें भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में गैप है। इट इज नोन एज पेरिविटेलाइन स्पेस। अब इन्हें लगता होगा कि बहुत ज्यादा सर पीएचडी पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये सब एनसीईआरटी में। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी। और पता नहीं कब क्वेश्चन पहुंचेगा। अब बताओ इस्पम आ चुका है, और बताओ किस वजह से आया है? कैपेसिटेशन। लिख लो, बड़े बड़े नोट्स बना लो और छकना फिर। बेवकूफ पहले पढ़ ले, बताओ ये क्या बना है? स्पर्म। हाँ, और ये क्या है? ओवा। ओवा एक लेयर की तीन तीन। आप बताओ स्पर्म ओवा में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है? बताओ स्पर्म के सबसे ऊपर हेड का नाम? एक्रोसोम। हाँ, बस इतना ही पूछ के मैं क्या गलती कर रहा हूँ? क्या एक्रोसोम याद है? अब क्या एक्रोसोम टूटेगा? यस यस। अब इतने डरे कह रहे नहीं टूटेगा। यस अब टूटेगा। अब एक्रोसोम्स की मेम्ब्रेन रप्चर होंगी, अगर यहां पर रप्चर होंगी तो ये किसका बना था? गॉल्गी बॉडी। भगवान मेरे, कौन सा बॉडी? और गॉल्गी बॉडी के बने होने की वजह से यहां से कुछ मटेरियल निकलेंगे। दीज आर नोन एज स्पर्म लाइसिन। ये भगवान क्या नाम है? इन सब चीजों के डेमो देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सोचने की बात देखो। इफ दिस इज अ हेड, क्या ये हेड? हेड का ये पार्ट क्या है? एक्रोसोम। फिर से बोलो। और इसमें बहुत सारे एंजाइम पड़े हैं, उन एंजाइम का नाम स्पर्म लाइसिन। बताओ जब तक ये टूटेगा नहीं वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? नहीं निकले। तो जैसे ही बेटा एक्रोसोम थोड़ा रप्चर हुआ, वैसे क्या निकला? स्पर्म लाइसिन। भगवान। और स्पर्म लाइसिन निकलते ही इन स्पर्म लाइसिन में निकले एंजाइम्स। क्या निकले? एंजाइम। मैं जान रहा हूं मैं ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। एक एंजाइम का नाम है हायलुरोनिडेज। अब तुमको लगता होगा जब जबरदस्ती पढ़ा रहे एनसीईआरटी में, नहीं है, इट हैज बीन आस्क्ड। ये दो बार पूछा जा चुका है नीट में। नाम बताओ सर। दिखाई नहीं पड़ रहा। पेशेंस। जाओ। हाँ बताओ एंजाइम का नाम। हाँ आवाज ही नहीं आ रही कि सर आ तो रही लेकिन बोल नहीं पा रहे सर। सर अब हायलू। हायलू रो। बोलो हायलू। फिर पक्का? अब बताओ अगर तुम्हें सुनील सर को डाइजेस्ट करना है एंजाइम का नाम सुनिलेस। अगर सुनील सर को डाइजेस्ट करना, पक्का?
अगर सुक्रोज को डाइजेस्ट करना हियालुरोनिक एसिड, हम भी तो यूपी बोर्डिया है, वो जो अंग्रेजी मीडियम के लोग होते हैं वो अच्छे से बोलते हैं, दिस एसिड इज नोन एज, बोलो, और ये एसिड प्रेजेंट होता है कोरोना रेडिएटा के बीच में, यानी जो ग्रेनुलोसा सेल है उनके बीच में प्रेजेंट सीमेंटिंग मटेरियल है, इसका नाम बताओ। अरे यार मैं पढ़ाई क्यों रहा, कौन सा बताओ, एक ग्रेनुलोसा सेल दूसरी से जुड़ी है बाय द मटेरियल, नाम बताओ, हायलुरोनिक, दूसरी तीसरी से, अगर मैं इसे ही डाइजेस्ट कर दूं, सीमेंट ही खत्म कर दूं, चलो, अरे नहीं आ रहा, तुम लोग जो मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ, मैं देख रहा हूं, दीवार देखी तुमने, हाँ अमिताभ बच्चन था, अरे ये दीवार देखो, दीवार देखी है, अच्छा दीवार किसकी बनी है, अगर नहीं पढ़ने का मन हो तो बताओ, फिर हम गाना वाना सुना, और गाना तुम्हारा नीट में आएगा, अच्छा दी बायो वाला गाना, नसीम सॉरी समीम, यही यही जिंदगी है, इसी में से एमबीबीएस बनना है, वरना लोग गाते ही रह जाते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे, ईंट देखिए, एक ईंट दूसरी ईंट से जुड़ी सीमेंट से है, अगर मैं सीमेंट गला दूं, अगर मैं सीमेंट गला दूं किसी तरीके से, तो बताओ ईंट मजबूत हो जाएगी वीक, और फिर मैं दीवार को धक्का दूं, दीवार टूट जाएगी, ये समझ में आ गया, अरे मिस्त्री आप सुनो, ईंट की जगह है सेल, क्या नाम है, सेल नाम है ग्रैनुलोसा सेल, बोलो करो, ग्रैनुलोसा सेल के बीच के सीमेंट का नाम पढ़ो, हायलुरोनिक एसिड, अगर मैं इसे डाइजेस्ट कर दूं तो बताओ इनका एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग की भी, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए हायलुरोनाइड, और वो किसके पास है, स्पर्म, तो स्पर्म ने एक एंजाइम निकाला और उसने किसको डाइजेस्ट करना चालू किया, पता नहीं, हायलुरोनिक एसिड को, और जैसे हायलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करना चालू किया, क्या रास्ता बनने लगा, क्या कोरोना रेडिएटा की जो ग्रैनुलोसा सेल है वो लूज होने लगी, लूज हुई, लेकिन सामने तो खड़ी है, क्या इन्हें भी हटाना चाहिए, यस, थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैं माफी के साथ बोल रहा हूँ, इट इज नोन एज सीपीई, कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम, बोलो क्या नाम, भगवान कसम दोबारा कभी मत पढ़ना, ना पढ़ना, कभी मत पढ़ना, पूछा नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा है, मत पढ़ना, सर ने क्यों पढ़ाया, क्योंकि केवल फीलिंग बन जाए, बताओ पहले सीमेंट निकाली गई, सीमेंट किससे निकाली गई, हायलुरोनाइडेज, फिर से बोलो, पक्का, और हायलुरोनाइडेज की वजह से बेटा यार रास्ता बनने लगा, अब रास्ता बनने लगा तो कोरोना रेडिएटा को भी हटाना पड़ेगा, कोरोना रेडिएटा भी हटी, किस एंजाइम से, सीपीई, फिर से बोलो, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेट करता हुआ बेटा तुम्हारा स्पर्म अंदर पहुंच चुका, और जैसे ही स्पर्म अंदर पहुंचा अब उसे मिली कौन, जोना पेलुसिडा, जिन लोगों को बुद्धि वो डरते नहीं, कोरोना रेडिएटा हट गई, अब कौन बची, जोना पेलुसिडा, और अगर न्यूक्लियस तक पहुंचना है बाबू तो क्या जोना पेलुसिडा को भी हटाना पड़ेगा, एक और एंजाइम नाम है एक्रोसिन, बोलो क्या नाम है, एक्रोसिन, बताओ कितने एंजाइम, तीन, दो कैसे, हे भगवान गिनती बोलिए, एक दो चार तीन, बताओ कौन कौन एंजाइम है स्पर्म लाइसिन में, बतिया रही थी, अब बताओ कौन कौन से तीन एंजाइम है जो स्पर्म ने रिलीज किए, एकदम खड़ी होके बताओ, स्पर्म ने स्पर्म लाइसिन नाम के ग्रुप ऑफ एंजाइम निकाले, तीनों एंजाइम के नाम, वर्सवास, इट इज नोन एज हायलुरोनाइडेज, ओके, इसके अलावा सीपीई, व्हाट इज सीपी,
एक्रोसिल, ये नहीं बता पाएगी तुम तो बताओ स्पर्म को रास्ता पाने के लिए कौन से रिएक्शन करनी पड़ेगी? एक्रोसोमल रिएक्शन। और मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन का जवाब हर बार गलत आएगा। स्पर्म को रास्ता पाने के लिए फीमेल ट्रैक्ट में किसकी जरूरत पड़ेगी? कैपेसिटेशन। और बेटा स्पर्म को रास्ता पाने के लिए कोरोना रेडिएटा के अंदर किसकी जरूरत पड़ेगी? स्पर्म लाइसिन रिएक्शन का नाम एक्रोसोमल रिएक्शन। कितने एंजाइम? तीन। आया? अब बैठ जाओ। तो बताओ कैपेसिटेशन में भी रास्ता मिलता है? नो सर। कैपेसिटेशन में जो रास्ता मिल रहा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मिल रहा है, लेकिन बेटा एक्रोसोमल रिएक्शन में रास्ता जो मिल रहा है वो कहां मिल रहा? ओवम के अंदर। और ओवम के अंदर जाना इतना मुश्किल क्यों? क्योंकि ओवम अकेले है कि तीन लेयर? तीन लेयर। तीनों लेयर रप्चर करनी पड़ेगी, कोरोना रेडिएटर हटानी पड़ेगी, उसके बीच का मटेरियल हटाना पड़ेगा, जोना प्लोसिड हटाना पड़ेगा। नो सर। और क्या एंजाइम है? बताओ कोरोना रेडिएटर की ग्रैनुलोसा सेल के बीच का मटेरियल कौन हटाएगा? हाइलुरोनिक एसिड। मुझ पर बिलीव करो, टीचर पर बिलीव करो, ये क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया, इसलिए मैं ये ले रहा हूं। हेलरोनाइडेज, हेलरोनाइडेज याद रहेगा? क्या ये कोरोना सेल को रप्चर करेगा कि उनके बीच का मटेरियल? और कोरोना सेल को सीपी, कोरोना प्रेटिंग एंजाइम, जोना पेलुसिडा को एक्रोसिल, फिर से बोलो। और जब ये तीनों हट जाएंगे तब क्या जादू होगा? तब जादू ये होगा कि सर स्पर्म पहुंच चुका है पेरिविटलाइन स्पेस में। किसमें? भूल गए, पेरिविटलाइन स्पेस। अरे कुछ याद नहीं, याद है? हाँ मैं तो पूछूंगा, बताओ ये वाला ऊसाइड प्राइमरी की सेकेंड? ये पेलुसिडा, नाम बताओ, जोना पेलुसिडा। और ये रेडिएटा का नाम बताओ, कोरोना रेडिएटा। इन सबको पार करते हुए स्पर्म आ चुका है, और स्पर्म पहुंच चुका है कहां पर? प्री विटलाइन स्पेस। और इस प्री विटलाइन स्पेस पर पहुंचने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोलो कौन सी? एक कोन बनाएगी। मैं बहुत बेवकूफ हूं जो इतना सब पढ़ा रहा हूं, आई एम सॉरी, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा। दिस इज नोन एज कोन ऑफ रिसेप्शन। बोलो क्या नाम है? ये वो जगह है जहां पर स्पर्म को रिसीव किया जाएगा, नाम बताओ, कोन ऑफ रिसेप्शन, फिर से बोलो। और जैसे ही स्पर्म यहां पहुंचेगा वैसे जोना पेलुसिडा एक रिएक्शन करेगी, भगवान बचा लो, और जोना पेलुसिडा हमेशा हमेशा के लिए इम्परमिएबल, परमिएबल की इम्परमिएबल। तो बताओ एक स्पर्म के एंट्री के बाद दूसरे स्पर्म एंट्री कर पाएंगे कि नहीं? और घर जाके एनसीईआरटी पढ़ना जरूर, तुम्हें लगेगा ये सारी बातें सुनील सर अपने तरफ से पढ़ा रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन योर बुक। तो बताओ एक ओवम में एक ही स्पर्म घुसे कि मैनिस पे? तो चले कितने थे? 2 से 3 मिलियन। अरे तीन नहीं, 200 से लेकर 300 मिलियन। पहुंचे भी बहुत लेकिन एंट्री एक। तो बाकी ने ऐसा क्या कर लिया? जैसे ही बेटा स्पर्म ने किसे छुआ, कोन ऑफ रिसेप्शन, वैसे ही कुछ चेंजेस आए कहां पर? जोना पेलुसिडा। बोलो क्या ना? आपको लगेगा जोना पेलुसिडा तो रप्चर हो चुकी थी सर एक्रोसिन से? नहीं, एक्रोसिन से पार्शियल रप्चर हुई थी, पूरी रप्चर और बाद में वो जोना पेलुसिडा, बताइए ध्यान से बताइए, वो जोना पेलुसिडा परमेबल की इम्परमेबल, बाकी स्पर्म उसमें एंट्री। इसके बाद स्पर्म अपनी बॉडी का ज्यादातर पोर्शन पीछे छोड़ देगा, बाहर छोड़ देगा कोन ऑफ रिसेप्शन के बाद, और अपनी बॉडी के साथ, बॉडी में न्यूक्लियस है, बोलो क्या है? न्यूक्लियस, और थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया, इसके साथ आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के साथ फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन होगा। बताइए फीमेल गैमेट एन की टू एन, मेल गैमेट का न्यूक्लियस एन, एन और एन टू एन बनेगा,
और जो ये टू एन बनेगा इसमें न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, क्या फ्यूज होंगे, न्यूक्लियर, एंड दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज नोन एज सिंकैरियन। बोलो क्या नाम है, ऑल्सो इसे सिंगैमी बोलते हैं, पर सिंगैमी पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, क्यों, सारे लोग जवाब चाहिए, बताइए किसका साइटोप्लाज्म यूज हुआ, मैं बहुत बुरा पढ़ा रहा हूं, स्पर्म की ओवा, ओवा, तो बताओ स्पर्म का ज्यादातर साइटोप्लाज्म अंदर आया कि बाहर आया, तो स्पर्म का केवल क्या आया, हाँ न्यूक्लियस, ज्यादातर कौन सा पार्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया फ्यूज नहीं होगा, क्या फ्यूज होगा, न्यूक्लियस, तो बताओ इस सेल के अंदर कौन कौन फ्यूज हुआ, बताओ मेल गैमीट का न्यूक्लियस और फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि ये न्यूक्लियस एन हो गया कि टू एन, टू एन, और टू एन होते ही प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन, फिर से बोलो, और इस फर्टिलाइजेशन में दो न्यूक्लियस साथ में आए, कंडीशन का नाम सिम कैरियन, सिम मतलब साथ साथ, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, एन की टू एन, और जो प्रोडक्ट बना उसका नाम जायगोट, फिर से बोलो, तो बताओ जायगोट एन की टू एन, टू एन, एंड माय क्वेश्चन, अगर मैंने सही पढ़ाया है तो बताइए ये साइटोप्लाज्म किसका है, किसका है, ओवम का, इसका मतलब साइटोप्लाज्म का पूरा हिस्सा ओवम का है कि बेटा बेटा स्पर्म का भी, बताओ न्यूक्लियस इसमें केवल स्पर्म का, ओवम का कि दोनों का, दोनों का, बताओ न्यूक्लियस दोनों का, साइटोप्लाज्म एक का। और जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाता हूं इसी दिन को मैं बहुत ज्यादा दुखी होकर के पूछता हूं, जवाब उस दिन नहीं आते, मैं जिस दिन जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं ये क्वेश्चन पूछूंगा नहीं आए, और सुन लो मैं इतना रिस्क लेके पढ़ा रहा हूं कि अगर कोई जीन, फिर से, अगर कोई जीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, किसमें, क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए, बोलो क्या, DNA. तो न्यूक्लियस वाली जीन तो मेल की भी हो सकती है और फीमेल की भी हो सकती है, क्योंकि जायगोट में एक का न्यूक्लियस है कि दोनों का, नहीं सुना, पर अगर कोई जीन, अगर कोई जीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, किसमें, साइटोप्लाज्म, इस क्वेश्चन का जवाब देना, अगर कोई जीन, आज ही नहीं आ रहे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और वो कहां पाई जा रही है, जायगोट, तो उसका ओरिजिन मेल होगा कि फीमेल, शाबाश, मेल की फीमेल, और इसीलिए जितने भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, कौन से, ऐसे इनहेरिटेंस जो न्यूक्लियस की वजह से है कि साइटोप्लाज्म, उसके लिए पापा जिम्मेदार की मम्मा, मम्मा, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मैटरनल इनहेरिटेंस, बोलो क्या नाम है, क्या मैं जेनेटिक्स में पूछूंगा बताओगे, आज का दिन याद रहेगा, रहेगा, बताओ जायगोट बनते वक्त, चलिए एक मिनट लिखने दीजिए, हम लिखने देंगे, विश्वास करो हम तीन तीन चार चार बार इसीलिए बोलते, पहले तुम्हारा दिमाग सही हो जाए, ये बताओ सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी की सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूक्लियस याद है, एन की टू एन, अब दूसरे कलर से बना रहे हैं स्पर्म को, मैं मान चुका हूं कि कोन ऑफ रिसेप्शन तक स्पर्म आ चुका है, अब बताओ इसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नो सर, एक्रोसोम पहले ही टूट चुका था, तो जो कुछ बचा है अभी ये न्यूक्लियस बचा हुआ है, जब ये न्यूक्लियस अंदर आने लगा तो ज्यादातर टेल पोर्शन बचा के छूट गया, छूट गया, तो बताओ स्पर्म का ज्यादातर पार्ट कौन आया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया में कहने में डर लगता है मुझे, ज्यादातर कौन, न्यूक्लियस, तो बताओ स्पर्म का पूरा स्पर्म एंट्री किया लेकिन न्यूक्लियस तक पहुंचा पूरा कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तक पहुंचा,
और जैसे ही पहुंचा, अभी मैं एक कहानी पढ़ा रहा हूं, जैसे ही पहुंचा तो बताओ ये एन की टू एन एन और ये एन और एन आपस में मिलेंगे, आगे चल के ये एन और एन बनाएंगे टू एन। आज इसका नाम क्या होगा? जायगोट। प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन होगा। सिन कैरी ऑन होगा। सिन मतलब साथ साथ, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस साथ साथ आए, एन और एन टू एन हुए, जायगोट बना। अब बताओ ये जायगोट आगे चल के ऑफ स्प्रिंग बनाएगा। हम सब ऑफ स्प्रिंग है पर हम कभी और जायगोट में बनाने में हमारी मम्मा का ओवा और पापा का स्पर्म, पूरा स्पर्म की न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो पापा के न्यूक्लियस में जो जीन होंगे मेरे पास आए होंगे, यस। मम्मा के न्यूक्लियस में जो जीन होंगे मेरे पास आए होंगे, यस। लेकिन अगर मम्मा के साइटोप्लाज्म में कोई जीन होगा वो भी मेरे पास आया होगा, यस। इसका मतलब पापा के साइटोप्लाज्म का जीन नहीं, इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कभी भी पापा के हो सकते हैं कि नहीं, किसके? अभी भी नहीं आया। हाउ मेनी, किसको नहीं आया? ओके, थैंक यू। इस सीक्वेंस को पूरा करो। खड़ी हो, जर्म सेल कितने प्रोसेस? स्पर्मेटोजेनेसिस, ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस। शाबाश, पहला प्रोसेस पी, व्हाट इज पी? ग्रोथ। शाबाश, फिर फिर पक्का? अब देखेंगे कितने लोग हैं जो मेरे साथ हैं। जर्म सेल में क्या हुआ, क्या बनी? ऊगोनिया। ऊगोनिया में क्या हुआ? ग्रोथ। माइटोसिस डिफरेंसेस क्या बनी? प्राइमरी ऊसाइट। बताइए मियोसिस की माइटोसिस? मियोसिस। यहां पर भी माइटोसिस, बहुत सही चल रहा है। प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस पूरी हो गई, पूरी हो गई, ओव्यूलेशन तक पूरी हो गई, मार पड़ेगी, ओव्यूलेशन तक पूरी हो गई। कौन सी? क्या बन गया है? सेकेंडरी ऊसाइट। जो लोग तुम लोग मेरे को जवाब देते हो ना, इससे मैं दुखी होकर के फिर पीछे से पढ़ाने लगूंगा, फिर तुम दुखी होगे। कितना रिपीट क्यों करो? बताओ पी हो चुका? जी हो गया? एम हो चुका? एम पूरा? शाबाश, थैंक यू, बैठ जाओ, शाबाश। और जिस समय सेकेंडरी ऊसाइट निकला था उसमें कोरोना रेडिएटा वगैरह थी? थी, अभी अभी बोल रहे हो, थी, यस और नो? तो बताओ यहां पर सेकेंडरी ऊसाइट है और अभी मियोसिस फर्स्ट हो गया है और मियोसिस सेकेंड हुआ नहीं है। कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट बेटा, साबास, कंप्लीट की इनकम्प्लीट? और काश अगर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता तो बनता ऊ टाइप। बोलो क्या बनता? ऊ टाइप। बताओ पी जी एम, ये भी एम है, अभी क्या बाकी है? टी। ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनता? ओवा। हाँ, मुझे उम्मीद है कुछ लोग तो जवाब देते ही। बताओ जिस समय ओव्यूलेशन हुआ, जिस समय पी कंप्लीट था, जी कंप्लीट था? नो सर, एम का पहला प्रोसेस कंप्लीट था। कौन? सेकेंडरी ऊसाइट। पिछले दो सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं, दो साल कॉन्टिन्यूअस, इस साल भी और इसके पिछले साल भी। सेकेंडरी ऊसाइट तक आते आते मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अगर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट किया है तो एक बनी है सेकेंडरी ऊसाइट और एक पोलर बॉडी। फर्स्ट की सेकेंड पढ़ा चुका हूं मैं, अब बताओ सेकेंडरी ऊसाइट में मियोसिस सेकेंड शुरू तो हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। अब ध्यान सुनो, जैसे ही स्पर्म एंट्री किया, जैसे ही लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी दिल्ली दूर है। बताइए स्पर्म ओवा में तैर रहा है, उसके साइटोप्लाज्म में तैर रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ।
तो जैसे ही स्पर्म एंट्री हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसके पहले सेकेंडरी ओसाइट ने चांस मारा और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट की। फर्स्ट की सेकेंड, सेकेंड कौन? फर्स्ट की सेकेंड, सेकेंड। और जैसे मियोसिस सेकेंड कंप्लीट की क्या बना? और कौन सी पोलर बॉडी? सेकेंड पोलर। ये तो सर ज्यादा हो गया। फर्स्ट पोलर बॉडी की सेकेंड, सेकेंड। इसका मतलब जब स्पर्म एंट्री कर रहा था तो भैया का नाम था सेकेंडरी ओसाइट। बोलो क्या नाम है? ओसाइट। लेकिन जब स्पर्म का न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो रहा था, भैया सेकेंडरी ओसाइट से क्या हो चुके थे? ओटाइट। क्वेश्चन आया कि मियोसिस सेकेंड कब कंप्लीट होती है? फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले, ठीक बाद की फर्टिलाइजेशन के साथ? फर्टिलाइजेशन के साथ, ठीक पहले। नहीं आया? कई बार तो लोग बिफोर एंट्री केवल कोन ऑफ रिसेप्शन बन जाए। क्या बन जाए? बिना एंट्री के अभी रिसेप्शन कोन रिसेप्शन बना है, इसको हमने केवल छुआ है, एंट्री भी नहीं की। इधर सेकेंडरी ओसाइट किसमें चेंज हो गई? तो बस इतना बताओ, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के साथ की फर्टिलाइजेशन के पहले? इसका मतलब सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगी? फर्टिलाइजेशन के ठीक पहले। और अगर बेटा, बच्चा मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे देना, मैं खुश हो जाऊंगा। अगर मेटिंग नहीं हुई, क्या तो बताओ कभी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगी कि नहीं? क्योंकि ओवुलेशन किसमें हुआ होगा? सेकेंडरी ओसाइट। फिर से बोलो, और सेकेंडरी ओसाइट के रूप में ही रहेगा और सेकेंडरी ओसाइट के रूप में बचेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। इसका मतलब सेकेंड पोलर बॉडी कभी बनेगी कि नहीं बनेगी? अब बताओ कितने लोगों को नहीं आया? सच थोड़ी ना बोलेंगे, हमें क्या, हम तो अपना काम कर रहे हैं। चलो पीजीएमटी याद है? पहला प्रोलिफरेशन, ग्रोथ, मियोसिस, मैचुरेशन, मैचुरेशन में मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ओविलेशन तक आते आते कौन खत्म? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड खत्म। और मियोसिस सेकंड तब खत्म होगी जब स्पर्म टच करेगा, यानी कि बिफोर फर्टिलाइजेशन की फर्टिलाइजेशन बिफोर, तो बिफोर एंट्री, इवन बिफोर एंट्री इनटू द ओवा, उसके पहले कोन ऑफ रिसेप्शन बनने के समय पर इसमें चेंज होंगे। और वो कौन सी मियोसिस को चेंज करेंगे? मियोसिस सेकेंड को पूरा करेंगे। और कौन सी पोलर बॉडी बनाएंगे? सेकेंड। और जो भाई साहब होंगे सेकेंडरी ओसाइट की ऊट आए। मेरा क्वेश्चन है, जिस समय स्पर्म का न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस से मिलता है उस समय ओवा सेकेंडरी ओसाइट होता है कि ऊट आए? और फिर जब ये दोनों न्यूक्लियस मिलेंगे तो N और N 2N हो जाएगा। और 2N वाला ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? और जायगोट का बनना, इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फिर से बोलो, कई कंडीशन बोलती है, दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज सिंगैरियम। फिर से बोलो, कुछ बुक्स बोलती है सिंगैमी, मैं सिंगैमी से बचता हूँ क्योंकि सिंगैमी में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों फ्यूज होते हैं। लेकिन बताओ यहाँ पर साइटोप्लाज्म दोनों का फ्यूज हुआ कि एक का? एक का। और न्यूक्लियस? दोनों का। तो बल्क ऑफ साइटोप्लाज्म इज फ्रॉम मेल की फीमेल? हाँ, फीमेल। कौन सा प्रोसेस खत्म हुआ? पता नहीं। और ये सब कहां चल रहा है? भगवान जाने। मैं अपना इंटरेस्ट इसलिए खो देता हूं क्योंकि तुम लोग स्लो। सच बता रहा हूं, भगवान कसम खा के बता रहा हूं, नहीं तो ये टॉपिक इतने जल्दी खत्म हो कि हम दोनों लोग जल्दी घर निकल पाए। बताओ ये सब कहानी कहां चल रही थी? एम्पुला। हाँ, कौन सी कहानी? तो बताओ जो ये जायगोट N2N बना है वो कहां बना है? एम्पुला। एम्पुला में। और अब
एम्पुला से चलकर इसे इस्थमस में आना है, कहां पर? और इस्थमस से चलकर इसे यूट्रस में आना है, कहां पर? और यूट्रस में आकर के इम्प्लांट होना है, क्या होना है? इम्प्लांट। और यही इम्प्लांट होकर के इसने अपनी प्रेगनेंसी पूरी करनी है, क्या पूरी करनी है? प्रेगनेंसी। तो मैंने अभी इम्प्लांटेशन पढ़ाया कि नहीं? क्या पढ़ाया? फर्टिलाइजेशन। These are known as squeezing. खड़े हो, ऐसे कैसे? There are some smaller, very lighter squeezing movement performed by these myometrium. अरे खड़े रहना। Squeezing movement की वजह से यहाँ पर vacuum create होता है। क्या create होता है? Vacuum. और इस vacuum की वजह से liquid suck होता है towards uterine cavity. कौन सी cavity? बहुत बढ़िया question पूछा उसने। इसके अलावा देयर आर सम सीलियरी मूवमेंट, लार्ज और स्मॉल। स्मॉल यहां पर जो सीलियरी थे वो लार्ज, यहां पर स्मॉल, और इसीलिए इसको यहां से यहां पर पहुंचने में स्लो चला हुआ कि फास्ट? स्लो। और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लग जाते हैं 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। इतनी 12 सेंटीमीटर की जगह को कवर करने के लिए 7 दिन। इसका ये मूवमेंट फास्ट है कि स्लो? और वहीं स्पर्म अभी छोड़ा गया और 2-3 मिनट के अंदर यहां पहुंचेगा। 2-3 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर यहां पहुंचेगा, या आधे घंटे के अंदर यहां पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि स्पर्म का मूवमेंट स्लो था कि फास्ट? फास्ट। तो ये उसके रेस्पेक्ट में बेसिकली मोटाइल की नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, इसलिए उनके मूवमेंट फास्ट की स्लो। और इसीलिए फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन, बोलो, फर्टिलाइजेशन के बाद 7वें दिन क्या होता है? इम्प्लांटेशन। बैठो। तो आज अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो आज ही इम्प्लांटेशन होगा। कितने दिन लग जाएंगे? 7। और इसीलिए अर्लीस्ट डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जिस दिन मेटिंग हुई उसी दिन हो सकती है क्या? नो। यस? नहीं हो सकती। अगर प्रेगनेंसी की देखना है कि कब प्रेगनेंसी सेटल हुई, तो जिस दिन मेटिंग हुई उससे कितने दिन? कम से कम 7 दिन। एंड दिस टेस्ट इज ऑल्सो है, दिस टेस्ट हैज बीन ऑल्सो आस्क्ड, नोन एज ग्रेविडेक्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ग्रेविडेक्स। ये सब बुक में नहीं है लेकिन पूछा, सब कुछ गया। बताओ फर्टिलाइजेशन कहां चल रहा? एम्पुला में चल रहा है। एम्पुला में क्या बन चुका है? जायगोट बन चुका है। मशक्कत स्पर्म ने की है? नो सर। स्पर्म ने दो तरीके से मशक्कत की है। पहले वो पहले वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मूव किया है, प्रोसेस का नाम कैपेसिटी। फिर बेटा ओवा में घुसा है, नाम है एक्रोसोमल रिएक्शन। दोनों एक ही बात के अलग अलग। पहले में मोटिलिटी मिली, दूसरी में पेनेट्रेशन मिला। मोटिलिटी और पेनेट्रेशन एक ही बात। मोटिलिटी का मतलब है कैपेसिटेशन, पेनेट्रेशन का मतलब है एक्रोसोमल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? और एक्रोसोमल रिएक्शन करते वक्त 3 लेयर तोड़नी है, बोलो कौन? कोरोना रेगिया, जोना पेरुसिया, याद है? और कोरोना रेगिटा के बीच में मटेरियल है, नाम बताओ, हैलुरोनिक एसिड। सारे एंजाइम याद है? रट्टा मारोगे, याद है? पहला हैलुरोनाइडेज, CPE, व्हाट इज इट? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और एक्रोसी, कोन ऑफ रिसेप्शन याद है? जैसे ही स्पर्म घुसा, घुसने वाला है, उसी समय कुछ चेंजेस हुए, उन चेंजेस ने मियोसिस सेकंड कंप्लीट की। और बताओ सेकेंडरी साइड से क्या हो गया? ऊटा, जोना पेलुसिडा भी चेंज लाई, परमेबल की इम्परमेबल। अब बाकी कोई स्पर्म घुस पाएगा कि नहीं? तो बताओ पॉली स्पर्मी होगी कि नहीं होगी? एक स्पर्म जाएगा कि मैनी? एक। और वो स्पर्म का पूरा साइटोप्लाज्म, ज्यादातर साइटोप्लाज्म बाहर रह जाएगा, क्या पहुंचेगा? न्यूक्लियस। हाँ, तो मेल और फीमेल के न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, क्या बनेगा? जायगोट। फिर से बोलो, जायगोट। और जायगोट जो बनेगा वो एन की 2n 2n, और ये कहां बन चुका है? एम्पुला। बस बच्चा, अब मैं समझा लूंगा, ये सबसे मुश्किल पार्ट था। चाहता तो मैं छोड़ देता लेकिन मैंने कहा कोशिश कर लेते।
और कोशिश कामयाब हो जाती तो बहुत अच्छा रहता है। बताइए यहाँ पर क्या बन चुका है? जायगोट। और जायगोट इज यूनिसेलर की मल्टीसेलर? मल्टीसेलर। आखिरी में मल्टीसेलर बोला तो मल्टीसेलर। जायगोट इज यूनिसेलर। एन की टू एन, टू एन हुआ तो दो सेल हो गई ना, दो सेल की एक सेल। तो मेरा क्वेश्चन है कि यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते बंदा एक सेल रहेगा कि मल्टी सेल? मल्टी सेल। तो याद रखना, एम्पुला से लेकर यूट्रस तक पहुंचने की कहानी में एक प्रोसेस से गुजरता है जायगोट, इट इज नोन एज क्लीवेज। जवाब चाहिए? जायगोट एन की टू एन, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्लीवेज कितने प्रकार के होते हैं उसमें नहीं जाऊंगा मैं। सेब की तरह काटना है, सेब देखा है? सेब में चाकू बीच में डाली और फांके पूरी अलग नहीं की, तो बताओ नीचे से सेब कट गया कि जुड़ा रहेगा? तो कंप्लीट क्लीवेज की इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। तो पहला क्लीवेज हुआ, एक सेल से बनी दो सेल, कितनी बनी? दो सेल। फिर दूसरा क्लीवेज हुआ, दो से बनी चार, बोलो कितनी? चार। हाँ बहुत सही, हाँ बहुत सही, थैंक यू वेरी मच, मुझे चल जाएगा। तो पहले बताओ एक से बनी दो। बताओ ये भाई साहब क्या थे? जायगोट। जायगोट के बाद एक से बनी दो, क्लीवेज चल रहा, फिर दो से बनी चार, फिर चार से बनी आठ, आठ सेल। एकदम शांत रहिएगा बेटा, मुझे मालूम है आपको गिनती अच्छी आती, वो आप मुझे ना सुनाए। दो से बनी चार, चार से बनी आठ, आठ से बनी सोलह। चलो खड़े हो जाओ, गिनती सुनने वाले, सुनाने वाले, मैं लिख दे रहा हूं। एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह। खड़े हो? हाँ हाँ खड़े हो। ये जो 16 सेल है, दीज 16 सेल आर कवर्ड बाई सम मेम्ब्रेन, नाम बताओ मेम्ब्रेन का। आ बच गया बेटा, कौन सी मेम्ब्रेन? जोना पेलोसिटा। हमने किसको रप्चर कर दिया था? कोरोना रेडिएटा। रप्चर हो गई थी, यार बैठ जाओ बेटा शाबाश। लेकिन जोना पेलोसिडा थोड़ी रप्चर हुई थी, फिर से इम्परमिएबल, परमिएबल की इम्परमिएबल। तो बताओ जो ये सेल बन रही है ये सब किसके अंदर बन रही है? जोना पेलोसिडा। और इस स्टेज के बंदे का नाम है मॉड्यूला, बोलो क्या नाम है? मॉड्यूला। तीन से पांच दिन लग गए मॉड्यूला बनते बनते। यस, एक से बोलोगे नहीं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ से सोलह, सोलह तक आते आते जो स्टेज आई इसका नाम मॉड्यूला। अब मॉड्यूला में बेटा कुछ चेंजेस आ रहे हैं, भगवान मेरे प्रभु। पेरिफेरल सेल फ्लैट होने लगी, पहले मैं जोना पेलोसिडा बना लूं, ये रही जोना पेलोसिडा। और पेरिफेरल सेल फ्लैट होने लगी, इनका नाम रखा गया ट्रोफोब्लास्ट, बोलो क्या नाम है? ट्रोफोब्लास्ट। याद तो रहना नहीं है तुम्हें। और बाकी सेल यहां पर झुंड बना करके रहने लगी, बाकी बची सेल एक जगह पर ग्रुप बना के रहने लगी, इट इज नोन एज इनर सेल मास, बोलो क्या नाम है? और बीच में कैविटी पैदा हो गई, क्या पैदा हुई? कैविटी। इस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसील। और इस स्टेज का एम्ब्रियो कहलाया ब्लास्टुला, बोलो क्या नाम है? ब्लास्टुला। तो बताओ मॉड्यूला से ब्लास्टुला में क्या अंतर आया? बताओ मॉड्यूला में कैविटी है कि नहीं? और इसमें कैविटी है, कैविटी का नाम ब्लास्टोसील। फिर से बोलो,
इसका मतलब सारी सेल एक जैसी रहेंगी, रीअरेंज हुई। जो बहुत सारी सेल बनी थी वो सारी की सारी सेल पहले एक लाइन बनाई, पेरिफेरल लेयर बनाई, नाम बताओ ट्रोफोब्लास्ट। बाकी सेल एक जगह इकट्ठा हो गई, नाम बताओ इनर सेल मास कैविटी बनाई, नाम बताओ प्लास्टोसील। और इस तरीके के एम्ब्रियो का नाम ब्लास्टुला। और अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो याद रखना, एनी कैविटी इफ इट इज सराउंडेड बाई, इट इज कवर्ड बाई ऑल ऑल ऑलवेज, यानी कि हमेशा चारों तरफ से ये कवर्ड है, उसे बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं? सिस्ट। किसी ने कहा सर हमारी ओवरी में सिस्ट हो गया है। अब डरो मत, ओवरी में कोई गांठ पड़ गई है जिसके अंदर पानी भरा है। नहीं सुना? मान लो सिस्ट बोला गया। व्हाट सिस्ट? व्हाट इज सिस्ट? एनी स्वेलिंग व्हिच हैव कैविटी इनसाइड, व्हिच हैव दैट इज नोन एज सिस्ट। किसी ने कहा कि सर बीमारी हो जाती है लड़कियों को पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इसका मतलब ओवरी के अंदर एक सिस्ट की मैनी सिस्ट, मैनी सिस्ट। तो याद रखना ब्लास्टुला भी एक सिस्ट है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। बोलो क्या नाम है? अभी नहीं बोलोगे? बोलो क्या नाम है? ब्लास्टोसिस्ट। और इसकी हर एक सेल जो ट्रोफोब्लास्ट की हर एक सेल है, इनकी लेयर का नाम ट्रोफोब्लास्ट और इनका नाम है इनर सेल मास। बोलो क्या नाम है? और इतना करते करते होंगे 7 दिन। कितने दिन? 7। और ये ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में पहुंचा। कहां पर? यूट्रस। हिम्मत हार रहे हो तुम लोग? हार रहे हो? बताओ अगर ये यहां पर पहुंचा है तो इसकी बाहरी लेयर का नाम प्रोटोब्लास्ट। क्या इसमें इनर सेल मास है? yes, और जब ये यहां पहुंचा इसने एंजाइम सिक्रीट किए। क्या सिक्रीट किए? एंजाइम, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम धीरे धीरे रप्चर होने लगी। मैं बना नहीं सकता, मिटाऊंगा तो सब मिट जाएगा। एंडोमेट्रियम जैसे जैसे रप्चर होने लगी ये उसके अंदर घुसने लगा। किसके अंदर? एंडोमेट्रियम। फिर से बोलो। इसका मतलब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के ऊपर आके घुस गया, घुस गया। और इसके चारों तरफ एंडोमेट्रियम ने कवरिंग बना ली। क्या बना ली? कवरिंग। और जैसे ही कवरिंग बना ली ये इसके अंदर घुस चुका है। इस प्रोसेस का नाम है इम्प्लांटेशन। फिर से बोलो। तो इम्प्लांटेशन ने किसने किसको कवर किया? एंडोमेट्रियम वॉल ने किसको कवर कर दिया? ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट अंदर घुस चुका है। इस प्रोसेस का नाम इम्प्लांटेशन। याद रहे अब बनेगा प्लेसेंटा। क्या बनेगा? प्लेसेंटा। अभी तक बना? कितने लोग हैं जो मैं ना बोलूं तब भी यहां तक पहुंचा देंगे? बहुत कम। चलो पूछता हूं, बताओ फर्टिलाइजेशन कहां होगा? एम्पुला ऑफ किसका? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में हुआ। बताओ जायगोट इज यूनिसेलर की मल्टीसेलर? यूनिसेलर है। यूनिसेलर जायगोट में क्लीवेज चालू हुए? एक सेल से, दो से, चार से, आठ से, 16 तक। और जोना पेलुसिडा खत्म नहीं हुए? खत्म हो गया। ध्यान सुनना, इसके बाद जो बेटा मॉरुला की सेल है क्या वो मूव करने लगी? मूव yes, करने के दौरान कुछ सेल पेरिफेरी में गई? yes, लेयर बनाई? yes, नाम बताओ। आज के बाद ट्रोफो का मतलब होता है नरिशमेंट। ट्रोफो का मतलब, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन। बोलो फोटोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक, कुछ पढ़े हो? तो जहां ट्रोफो शब्द आ जाए उसका मतलब न्यूट्रिशन। इसका मतलब आगे चलकर जो हमारा फिटस है जिस लेयर से नरिशमेंट लेगा उसका नाम ट्रोफोब्लास्ट। फिर से बोलो। और बचा हुआ मटेरियल इज इनर सेल मास। फिर से बोलो। तो बताओ क्या इसमें कैविटी बनी? yes, इसके अलावा पेरिफेरल लेयर बनी? yes, बताओ पेरिफेरल लेयर का नाम?
मैं खुश हूं। बताओ बाकी सेल यहाँ पर कुछ मास बनाई? बोलो इनर सेल मास। इनर सेल मास बना, कैविटी बनी, कैविटी का नाम इन भैया का नाम ब्लास्टुला। बोलो क्या नाम, कोई दूसरा नाम बोल सकते हो? बोलो क्या नाम है? ब्लास्टोसिस्ट। कितने दिन लग गए? 7। तो बताओ फेलोपियन ट्यूब से मूव करते करते यूट्रस तक आने में कितने दिन? 7। अगर ये प्रोसेस नहीं समझे ना तो जिफ्ट और गिफ्ट समझ में नहीं आएंगे। कौन फिर रट्टा मारते वहां पर? इतनी इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, पागल नहीं हूं मैं। तो याद रखना, जिस समय ब्लास्टुला यूट्रस में पहुंचा इसका वेलकम किसने किया? एंडोमेट्रियम। फिर चलो, एंडोमेट्रियम पे जाते ही इसने कुछ एंजाइम निकाले। किसने? ट्रोफोब्लास्ट। एंडोमेट्रियम रप्चर हुई और ये पेनिट्रेट होने लगा, साथ में एंडोमेट्रियम रिप्लेनिश हुई, क्योंकि एंडोमेट्रियम में कॉन्स्टेंट सप्लाई किसकी है? प्रोजेस्टेरॉन। भूल गए, याद है? तो जो रप्चर हुआ उसे बना लिया जाएगा, और बना करके इसे अंदर ले लिया गया। किसको? ब्लास्टोसिस्ट को। और ब्लास्टोसिस्ट जैसे ही अंदर गया, प्रोसेस का नाम इम्प्लांटेशन। बताओ हमारे टॉपिक का नाम क्या था जब हमने शुरू किया था? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। बताओ फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बीच में कितना समय? 7 दिन। 1 हफ्ता। कितना हफ्ता? 1 हफ्ता। आगे बढ़ जाए। अगला टॉपिक क्या है? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बीच में सेक्स डिटर्मिनेशन रुक गया है, अभी पढ़ाएं कि जेनेटिक्स में पढ़ोगे? अभी पढ़ाएं, अभी पढ़ाएं। मैं जानबूझ के छोड़ना चाहता हूं उसको, लेकिन चलो चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना छूटे तुमसे। 3-3 बार वो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाना पड़ेगा, 3 बार लिखा है एनसीईआरटी में, 3 बार पढ़ाना पड़ता है। बताइए यहां पर कौन आ चुका है? मॉरिवला की ब्लास्टुला। यहां जायगोट आ चुका है। क्या जायगोट यहां हुआ करता था? फिर इसके बाद 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, यूट्रस में घुसे, 16 तक आते आते, मॉरिवला तक आते आते यूट्रस में एंट्री मिल गई, लेकिन इम्प्लांट नहीं हुआ। इसके बाद ब्लास्टुला बना, इम्प्लांट हुआ। बताओ जब ब्लास्टुला इम्प्लांट हो रहा होगा तो बताओ इसकी हर एक सेल एन की 2N और इसे 2N करने में किसका इन्वॉल्वमेंट? स्पर्म और स्पर्मा। स्पर्म एन की 2N, ओवा भी। ध्यान में सुनना, एन का मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम की 23, और ओवा का मतलब 23 पेयर की 23, 23। अब ध्यान से सुनना, जितने लोग हैं मेरे साथ सुनिएगा, जिस समय फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। बहुत डरता हूं मैं। बताओ कौन गैमेट किससे फ्यूज हुआ? मेल फीमेल। तो क्या मेल के न्यूक्लियस के 23 क्रोमोसोम फीमेल के 23 क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हुए? यस सर। मेल का पहला क्रोमोसोम फीमेल के पहले क्रोमोसोम के साथ पेयर किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ बहुत सही कर रहा, पांचवा, 22वां, 23वां। लेकिन मेल जो है 23वां अगर एक्स ला रहा, क्या ला रहा? फीमेल तो हमेशा क्या लाएगी? ये बात समझ में ना आई? ये ना समझ में आ रही आई? तो बताओ मेल की तरफ से क्या आया? मेल मतलब स्पर्म, और फीमेल की तरफ से क्या आया? एक्स। ओवा की तरफ से क्या आया? एक्स। ओवा किसका इन्वॉल्वमेंट है? फादर की मदर। बस फंस गए तुम। और बताओ स्पर्म किसका इन्वॉल्वमेंट है? फादर। तो बताओ फादर का जो 23वां क्रोमोसोम था वो क्या था? एक्स। मदर का भी एक्स। बताओ एक्स और एक्स। अब जो जायगोट बना है, इस जायगोट का जो बच्चा होगा वो एक्स एक्स, मेल की फीमेल? बताओ ये लड़का होगा कि लड़की?
डॉटर होगी? यस सर। पता नहीं चल पा रहा किसका दोष है, इन्होंने भी एक्स दिया, इन्होंने भी एक्स दिया, दोनों का बराबर योगदान है लड़की में। अच्छा आगे देखो, फिर से कर रहा हूं, दूसरा चांस, फादर साइड स्पर्म साइड, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, 22वां 22वें के साथ, 23वां। अब की बार स्पर्म, अब की बार स्पर्म क्या लेके आया? वाई। और ओवा हमेशा से क्या लाता है? सबस। ओवा हमेशा से, और ओवा कौन देता है? मदर। और स्पर्म कौन देता है? फादर। अच्छा बताओ, इस तरीके का जो जायगोट बना उससे लड़का की लड़की में, अब सोच के बताओ, मदर का ओवा हमेशा क्या प्रोवाइड करता है? एक्स। लेकिन फादर का स्पर्म कभी कभी, कभी कभी वाई दिया तो, एक्स दिया तो, इसका मतलब लड़का होगा कि लड़की होगा, दोषी कौन? मार किसे पड़ती है? हरियाणा चले जाओ, बोले अब की बार तो छोरी ना चाहिए, छोरा होने चाहिए। और वो क्या करे, लेडीज क्या करे, वो थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो कान पीछे रेपटा मारती, तलाक से, बदतमीज, छोरा हो गए कि छोरी हो गए, सब बराबर हो गए। फिर भी वो बोले कि नहीं हमको छोरा चाहिए, तो बोल भैया तू अपने स्पर्म से बोल कि एक्स भेजे कि वाई, अपन तो हमेशा, तो गर्ल्स हमेशा क्या प्रोवाइड करती है? एक्स। और बॉयज क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? एक्स एंड वाई। तो बताओ हेट्रोगैमेटिक कौन? मेल। होमोगैमेटिक कौन? फीमेल। कोई भी आ जाए फीमेल क्या प्रोवाइड करेगी? एक्स। और बदतमीन जोगला कौन है? मेल। कभी एक्स, कभी वाई। मम्मा से एक्स, फादर से एक्स लड़की, मम्मा से एक्स, फादर से वाई लड़का। बताओ लड़की हुआ कि लड़का? मम्मा का कोई रोल नहीं। किसका रोल है? अब की बार छोरा ना हो तो मार पड़ेगी लड़की को कि लड़के को? तो मम्मा मार खाएगी पापा। अब सास कह रही है बहू सो देख लो, अगर बिटिया हुई तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। ये होता है वहां, सॉरी उसे किसी देश प्रदेश का नाम नहीं लेना चाहिए। तो भैया बिटिया हो गई, अब औरत को बाहर निकाल दिया, फिर सास को बायोलॉजी पढ़ाए सुनील सर कि दादी दादी इसमें किसका दोष? इसको मतलब इसमें बहू का दोष किसका दोष है? हाँ आपके बेटे का। तो लड़का होगा कि लड़की कौन डिसाइड करेगा? बहू की बेटा, बेटा। तो अगर लड़की हो गई और तुम्हें नहीं चाहिए तो मार कौन खाए? बेटा। कौन? छोरा। तो बताओ सेक्स डिटर्मिनेशन में किसकी किसकी वजह से कौन बेटा इन्वॉल्व होगा? फादर। और तुम जानते हो ये चीजें तुम्हें बार बार क्यों पढ़ाई जा रही? क्योंकि आप थोड़ा लिटरेट बनिए। इतनी लिटरेसी होने के बावजूद हमारी इंडिया में फीमेल फीटीसाइट्स कम है कि ज्यादा? कौन बोल रहा कम है? अरे पागल हो, अभी भी मेरे पास 10 फोन आते हैं, सर कोई जुगाड़ है क्या, अल्ट्रासाउंड हो जाए तो मैं तुरंत सक्कर जाता हूँ। काहे के लिए सर? इतना बता देना, हम करेंगे कुछ नहीं, बस बता देना, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि लड़का है कि लड़की है। क्यों जानने की इच्छा है? क्यों जानने की इच्छा है? हाँ? मैं बता रहा हूं ये रियल कहानी है। इवन ये इवन तुम्हारे सावधान इंडिया में भी आई थी। एक डॉक्टर साहब पकड़े गए, वो अल्ट्रासाउंड करते वक्त बताते नहीं थे, वहां लिखा था यहां पर जन्म के पहले बच्चों का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता। लेकिन इतने बदतमीज थे, वो एक फाइल नंबर 16 रखते थे, एक फाइल नंबर 19 रखते थे, गाजियाबाद में 16 और 1B, बी फॉर बॉयज, 1G, जी फॉर गर्ल। अगर 16 नंबर फाइल है, इसके अल्ट्रासाउंड में क्या है? बॉय। और इसके अल्ट्रासाउंड में तो कहते थे हम डिटर्मिनेशन नहीं करते, लेकिन पीछे से लेते थे 50,000, लो भाई 50,000 रुपए दो,
10,000 रुपए तो हम पता कर देंगे। हाँ, पकड़े गए, लाइसेंस छिन गया, आजकल जेल में। पैसे कमाने के बहुत साधन है। जिस दिन तुमको अपने ऊपर से फेथ घुट जाता है ना, उस दिन तुम गलत काम करते हो। तुम्हें लगता है यार सीधे से पैसा नहीं कमा पाएंगे, या फिर तुम्हें 10 लोग ये बताने वाले मिल जाते हैं कि आज तक जो अमीर बना वो कभी भी सीधे पैसा कमा के अमीर नहीं बना। मैं कह रहा हूं अमीर बनने के बहुत तरीके हैं, हमेशा उल्टे सीधे काम करने की जरूरत नहीं। बताओ सेक्स डिटरमिनेशन में किसका रोल? नाउ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इट्स अ नेक्स्ट टॉपिक, बट एकदम शांत रहो। तो जैसे ही यूट्रस में इम्प्लांटेशन हुआ, बस शांत रहो बेटा, आप बहुत अच्छे बच्चे। आगे की कहानी तुम्हें मालूम है, मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे ही बेटा इम्प्लांटेशन हुआ, वैसे ट्रोफोब्लास्ट, कौन सा बेटा? ट्रोफोब्लास्ट ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आज नोन एज कोरियोनिक विलाई। बोलो कौन सा? और ये कोरियोनिक विलाई पेनेट्रेट कर गए यूट्रस में, किसमें? यूट्रस। और यूट्रस की कोशिकाएं और यूट्रस के टिश्यूज इनमें ऑक्लूड होने लगे, जुड़ने लगे। तो बताओ यूट्रस माने किसका पार्ट? मम्मा की पापा। हाँ, और कोरियोनिक विलाई मतलब किसका पार्ट? मम्मा की बच्चा, अच्छा। पापा, अच्छा। पापा यहां का करेंगे? सॉरी, आई एम सॉरी, कभी कभी ना चाहते हुए गुस्सा आ जाती है। वो कह रहा पापा बचाइए। इसका नाम ब्लास्टोसिस्ट है। yes, ये इनर सेल मास, यहां पर विलाई बनी, बताओ कौन सी? मदद करो यार, कोरियोनिक विलाई। बोलो कौन? कोरियोनिक विलाई जो है वो किसका पोर्शन है? बोलो किसका पोर्शन है? एम्ब्रियो। बोलो Embryo. और बेटा यूट्राइन टिश्यू किसका फीचर है? मम्मा। ये यूट्रस किसका है? ये सब कहां चल रहा? यूट्रस कहां पाया जाता है? जुपिटर में। यूट्रस मम्मा में पाया जाता है, इसका मतलब मम्मा की बॉडी भी इनमें इन्वॉल्व हो रही, और एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना, नाम है प्लासेंटा। बोलो क्या नाम है? प्लासेंटा। किसी को मतलब नहीं है, कुछ भी कराओ सर। और मम्मा अपना खून पिलाएगी बेटा इसको, ये कौन है? अपने आप को देखो, मैं भी अपने आप को सुबह शाम देखता हूं कि मेरी मां ने जब मैं बना भी नहीं था तब से मुझे ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू? नरिशमेंट प्रोवाइड किया है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। और ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू आया, ब्लड के थ्रू आया, किसके थ्रू आया? प्लेसेंटा। फिर से बोलो। इसलिए मम्मा का खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रेग्नेंट लेडी का खाना, अच्छा खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा विटामिन्स, जितने ज्यादा मिनरल्स मां खाएगी उतना उसके ब्लड में पहुंचेंगे, उतना वो ब्लड कहां पहुंचेगा? प्लेसेंटा। और उतना ज्यादा एम्ब्रियो को मिलेगा। नहीं आया? बताओ इस प्रोसेस, इसका नाम बताओ? प्लेसेंटा। फिर से बोलो। प्लेसेंटा डिस्क शेप स्ट्रक्चर है। yes, कितने लोगों से मिलवान बना है? दो। एक किसका इन्वॉल्वमेंट है? एम्ब्रियो। फिर से बोलो। embryo. और एक किसका? यूट्राइन टिश्यू। और इस प्लेसेंटा के थ्रू मम्मा क्या पहुंचा रही है? न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन।
और इसका जो इनर सेल मास है, बोलो कौन, धीरे 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 एम्ब्रियो बनाने लगेगा। क्या बनाने लगेगा? और एम्ब्रियो की नाभि पे, किस पे, एक बेटा कॉर्ड बनेगी, याद है? नाम बताओ, अम्बिलिकल कॉर्ड, फिर से बोलो, और वो कहां जाएगी, प्लेसेंटा, फिर से बोलो, इसका मतलब प्लेसेंटा अपना नरिशमेंट भेजेगा किसको, कॉर्ड को, कॉर्ड का नाम अम्बिलिकल, फिर से बोलो, और इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होंगी ब्लड वेसल्स, क्या होंगी, और वो ब्लड वेसल हमारे कहां पर आएंगी, नेवल, और नेवल से हमें नरिशमेंट मिलेगा। सो नेवल इज द हॉली प्लेस, ये वो जगह है जहां से हम अपनी मम्मा के साथ कनेक्ट हुए। नहीं आया तो बताओ, पहले दिन ही अम्बिलिकल कॉर्ड बन गई? नो। तो किसके दौरान बनी? इट इज नोन एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्या बना? प्लेसेंटा, फिर से बोलो, शुरुआत में प्लेसेंटा डायरेक्ट नरिशमेंट देता रहा, फिर इसके बाद इनर सेल मास किसमें कन्वर्ट होने लगा, एम्ब्रियो, फिर से बोलो, और क्या ये एम्ब्रियो फिटस बनने लगा, और जब ये फिटस बनने लगा, बच्चा बनने लगा, तो क्या आप तब भी ये प्लेसेंटा से ये बेटा कनेक्टेड रहा? यस, बोलो कौन सा, अम्बिलिकल कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड? बहुत सारे लोग अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा एक ही बात मानते हैं, सही की गलत, गलत। अम्बिलिकल कॉर्ड इज अ कनेक्शन ऑफ फिटस टू द प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा इज मेड बाय वन, मतलब ये वन कंट्रीब्यूशन की बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत यूट्रस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये कौन सी मिलाई, कोरियोनिक। अगला क्वेश्चन कि सर ये जो डेवलपमेंट शुरू हुए, क्या ये अपने आप शुरू हुए? नो, इनके लिए चाहिए हॉर्मोन्स, क्या चाहिए, और सर ये हार्मोन्स कहां से निकलेंगे, प्लेसेंटा, फिर से बोलो, और प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन निकलने लगे, नाम ध्यान से सुनिएगा, दीज आर नोन एज प्लेसेंटल हार्मोन, बोलो कौन से, इनमें से पहला हार्मोन है HCG, व्हाट इज, अरे यार हम कह रहे कि हम HCG, व्हाट इज HCG, आप खड़ो बेटा, ये जो बेटा मास्क लगाया कोने में, यस, नहीं आगे मास्क, आप अपने बगल में खड़ा करो, फुल फॉर्म, मालूम है कि वो क्यों हंस रहा था, फुल फॉर्म, व्हाइट इज नोन एज कोरियोनिक, कौन सी विलाई, कोरियोनिक विलाई इज द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, किसका, और किसका कंट्रीब्यूशन है, मम्मा का कि एम्ब्रियो का, इस कोरियोनिक विलाई से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकले, कौन से, एंड दैट्स व्हाई, बोलो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, बोलो क्या, बहुत मुश्किल है भाई तुम लोग को समझाना, बोलो, ह्यूमन, व्हाट इज एच, ह्यूमन, व्हाट इज सी, कोरियोनिक, व्हाट इज जी, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, बताओ जैसे ही कोरियोनिक विलाई बनी होगी क्या HCG निकलने लगा होगा, यस सर, और सातवें दिन के अंदर क्या हुआ था, इम्प्लांटेशन, फिर से बोलो, तो सातवें दिन के बाद क्या कोरियोनिक विलाई बनने लगी होगी, यस, तो सातवें दिन की प्रेगनेंसी के बाद HCG का अमाउंट घटा कि बढ़ गया, बढ़ गया, किसमें पता नहीं,
प्लेसेंटा में, और हार्मोन कहाँ सिक्रीट किए जाते हैं? आज पढ़ाया हाँ, ब्लड में। तो बताओ फीमेल की ब्लड में एससीजी घटा की बढ़ गया? हाँ, और ये ब्लड गया किडनी में, कहाँ पर? और किडनी में एससीजी रिलीज हो गया और बेटा यूरिन में निकलने लगा। किस में निकलने लगा? यूरिन। तो बताओ बन कहाँ रहा है? हाँ, निकल कहाँ रहा है? हाँ, और यूरिन को हमने टेस्ट किया। याद करो, आजकल तो बहुत टेस्ट हो रहे हैं, आप लोगों ने इसको सुना होगा, किस नाम से किट मिलती है? गुड न्यूज, क्या नाम बोलते हैं? प्रेगा न्यूज। क्या बोलते हैं? प्रेगा। क्या हम फीमेल का यूरिन यहाँ डालते हैं? नो सर। और यहाँ पर स्ट्रिप रहती है, क्या रहती है? स्ट्रिप। अगर स्ट्रिप पिंक हो गई तो बधाई हो। क्यों, मजाक मत करना, मैं कर रहा हूं अलग बात है, बस आप लोग बताइए क्यों? क्योंकि यूरिन क्यों डाला, ब्लड नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि फीमेल की यूरिन में अगर एचसीजी है, क्या है? HCG. तो क्या उसे ये किट डिटेक्ट कर लेगी? Yes, और क्या स्ट्रिप का कलर चेंज कर देगी? नो yes, सर no, yes, तो ये कितने जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सकता है? आज मीटिंग की आज पॉसिबल है? आज मीटिंग की कम से कम 7 से 10, 7 से 10 बैठिए। अब हंसना नहीं, कितनी बार बोल चुके हैं हंसना नहीं। टीचर है, कभी कभी स्पेलिंग इधर से उधर हो जाती है। भावनाओं को समझो बेटा, समझने की कोशिश किया करो कि क्या पढ़ाने चाह रहा हूं। व्हाट इज एससीजी? ह्यूमन कोरियोनिक ब्लड। एंड बेटा This test is known as Gravidex, Gravidex test. And this question is has been asked in 2018. और कोई भी बता दे एनसीईआरटी में कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा, इसलिए बाहर पढ़ाना पड़ता है। कौन सा टेस्ट? Gravidex. यहां लिख दे रहा हूं, ऊपर भी लिख दे रहा हूं, Gravidex test. बताइए Gravidex टेस्ट में कौन सा हार्मोन डिटेक्ट करते हैं? एससीजी। व्हाट इज एससीजी? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इट इज द फर्स्ट प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट। और बताओ यूरिन में ये हार्मोन क्यों निकलता है? बताओ पहले कहां पर निकलेगा? ब्लड। ब्लड किडनी में पहुंचेगा? प्लेसेंटा कहां छोड़ेगा? ब्लड में। ब्लड से कहां पहुंचेगा? किडनी। किडनी में यूरिन के साथ बाहर आएगा। तो अगर जिस फीमेल में प्रेगनेंसी है उसका प्लेसेंटा बन चुका होगा, प्लेसेंटा बन चुका होगा तो कोरियोनिक विलाई बन चुकी है, कोरियोनिक विलाई बन चुकी है तो एससीजी निकल चुका है, और एससीजी निकल चुका है तो ब्लड में आया होगा, ब्लड से कहां आया होगा? यूरिन। और यूरिन को जब हम किट में डालेंगे तो बताओ अगर होगा तो डिटेक्ट हो जाएगी? Yes, और अगर डिटेक्ट हो गई तो हम लोग बोलेंगे भैया प्रेगनेंसी हो चुकी है। यस और नो? मिनिमम कितने दिन? 7 से 10। टेस्ट का नाम Gravidex टेस्ट। बोलो कौन सा? इसके अलावा प्लेसेंटा कुछ हार्मोन और निकालता है, जैसे इस्ट्रोजन। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। बोलो क्या रहा? HCG पहले पढ़ाई चुका हूं, HCG पहले चार के नाम बताओ। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HPL, HCG। ये कहां से रिलीज हो रहा है? एक हार्मोन और, जबकि एनसीईआरटी नहीं लिखती फिर भी सुनो एनसीईआरटी नहीं लिखती फिर भी रिलैक्सिन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर लिखती है एनसीईआरटी, लिखती है कि रिलैक्सिन इज रिलीज बाय ओवरी। किसे? ओवरी। नो, यस, ओवरी के साथ साथ रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रीटेड बाय प्लेसेंटा। बोलो किसे? प्लेसेंटा। बताओ कितने हार्मोन? 5। बोलो HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HPL, रिलैक्सिन। बताइए रिलैक्सिन एक जगह की दो जगह? दो जगह। एक कौन? ओवरी। दूसरा कौन? प्लेसेंटा।
अपन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो रिलैक्सिन मिलेगा, लेकिन रिलैक्सिन के आगे क्या लिखा होगा? ओवरी। पर घबराना नहीं, क्या ये ओवरी से निकलता है? यस। बार बार मुझसे पूछना नहीं, थप्पड़ मार दूंगा, मैं बोल रहा हूं। क्या ये ओवरी से निकलता है? यस। पर क्या ये प्लेसेंटा से भी निकलता है? यस। ये रिलैक्सिन वो हार्मोन है जो लेट प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी की लेट, लेट प्रेगनेंसी में निकलता है, ताकि प्यूबिक सिम्फाइसिस, कौन सी? किसी को कोई मतलब नहीं, पढ़ा लो सर जो मर्जी है तुम कर लो, हमें पढ़ने नहीं। जो बर्थ कैनाल है वो एक बोन से होकर गुजरती है, बोन का नाम पेल्विक बोन, और से बोलो, और पेल्विक बोन की कैविटी अगर नैरो है तो बच्चा निकल पाएगा कि नहीं? नहीं। पेल्विक बोन में एक बोन है प्यूबिस, बोलो क्या? प्यूबिस। दो प्यूबिस को जोड़ने वाले ज्वाइंट का नाम प्यूबिक सिम्फाइसिस, फिर से बोलो, और प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलीज करना, डायलेट करना जरूरी है, ताकि हड्डी चौड़ी हो जाए और बेबी आसानी से निकल जाए। तो बताओ, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने वाला हार्मोन रिलैक्सिन कौन सा? तो बताओ, आज प्रेगनेंसी हुई, आज ही रिलैक्सिन चाहिए? अर्ली प्रेगनेंसी की लेट? लेट। इसके अलावा ध्यान सुनो, प्लेसेंटा बनते ही ये हार्मोन प्लेसेंटा से तो निकलते हैं, लेकिन बाकी दूसरी ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अब जो हार्मोन निकल रहे हैं ये प्लेसेंटा से नहीं निकल रहे, लेकिन प्लेसेंटा बनने की वजह से दूसरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गई हैं। कॉर्टिसोल भी बेटा बढ़ जाता है। अब कोई बोले कॉर्टिसोल प्लेसेंटा से निकलता है? नो। पर जिस ग्लैंड से निकलता है उसका निकलना कम की ज्यादा? ज्यादा। इसके अलावा थायरॉक्सिन, बोलो कौन? जब तुम डॉक्टर बनोगे तो तुम देखोगे कि जैसे प्रेगनेंसी सेटिंग सेट होती है, बहुत सारी फीमेल की थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन करने लगती है कि इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर। कॉर्टिसोल थायरॉक्सिन का भी अमाउंट बढ़ जाता है। इसके अलावा इंसुलिन हार्मोन भी गड़बड़ होने लगते हैं, और इसीलिए कई बार प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज हो जाती है। जब आप डॉक्टर बनोगे तो तुम देखोगे कि जब तक फीमेल प्रेगनेंसी में थी तब तक उसको डायबिटीज थी, प्रेगनेंसी खत्म डायबिटीज खत्म। तो बताओ, ये हार्मोन प्लेसेंटा से निकले? हमें कोई डर है? क्योंकि बेटा तुम पता नहीं क्या कह दो कि सर आपने पढ़ाए थे, मैंने नोट किए थे। ये प्लेसेंटा बनने की वजह से दूसरी ग्लैंड से निकले, तो इंसुलिन प्लेसेंटा से निकला कि पैनक्रियास? पैनक्रियास। थायरॉक्सिन, थायरॉइड, कॉर्टिसोल, एड्रिनल, बोलो कहां? ओके। लेकिन इनका निकलना कम हो गया कि ज्यादा? ज्यादा। और इसीलिए फीमेल में हार्मोनल बैलेंस हो गया कि डिसबैलेंस? डिसबैलेंस। और इन हार्मोन ने मिल करके इस इनर सेल मास को धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया। भूल गए? याद है? और वो क्या बनने लगा? फीटस। तो बताओ, फीटस बनने में किसका इन्वॉल्वमेंट है? हार्मोन। कम से कम नाम बता दोगे खुश हो जाएंगे। बोलो, एससीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचपीएल, कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। क्या ये सारे हार्मोन कर रहे हैं? और ये सारे हार्मोन प्लेसेंटा से निकल रहे हैं? ये निकल रहे हैं? बताओ, प्लेसेंटा से कितने हार्मोन? पांच। पांच के नाम बता पाओगे? नाम बोलो। पक्का? तो बताओ क्या सेट हो चुकी है? प्रेगनेंसी। अब इनर सेल मास फीटस बनने लगेगा, और इसमें कितने महीने लगेंगे? नौ महीने लगेंगे। और इस नौ महीने के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और चैप्टर को हम लोग कल खत्म करेंगे। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय। समझ में आया? सुबह कितने बजे? 11:30। टेक केयर। हमारा खुद ही क्वेश्चन इतना सारा फंसा, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन है। सर 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 सर, 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 सर।
जाता है यार, मुझे टाइम लगेगा। आप पूछिए फिर मैं आपसे पूछती हूँ। इधर इस चलेंगे तुरंत।